हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातु अलग अलग रासायनिक गुण दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। धातुओं का पहला रासायनिक गुणधर्म जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। जब धातुओं को वायु में दहन किया जाता है तो वे वायु से ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड क्षारकीय बेसिक होते हैं और इसलिए वे लाल लिटमस को नीला कर देंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की प्रबलता धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु सामान्य ताप पर अभिक्रिया करते हैं, कम अभिक्रियाशील धातु गर्म करने पर प्रतिक्रिया करेंगे, जबकि अन्य धातु अत्यंत अधिक ताप पर अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए एक सोडियम सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड Na2O जो क्षारकीय है का निर्माण करता है। दो पोटेशियम धातु क्षारकीय ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड K2O उत्पादित करने के लिए सामान्य ताप पर वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। इन धातुओं के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है, पोटेशियम और सोडियम इतने अभिक्रियाशील हैं कि वे सामान्य ताप पर भी वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ये खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसीन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इन अभिक्रियाओं में उत्पादित धातु ऑक्साइड ज्यादातर जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन धातु के कुछ ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं और उन्हें क्षार के रूप में जाना जाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड जल में घुलनशील है और जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादित करता है जो एक क्षार है। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म करने पर वह वायु में तीव्र ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलकर एक क्षारकीय ऑक्साइड उत्पादित करता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक श्वेत चूर्ण है। चूंकि इसे अभिक्रिया के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सोडियम और पोटेशियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। उत्पादित हो रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील है और इसका विलयन क्षारकीय है। जब एल्यूमिनियम को वायु में गर्म किया जाता है तो यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड उत्पादित करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। आयरन और कॉपर धातु अत्यधिक ताप पर भी वायु में नहीं जलते हैं। ऑक्सीजन के साथ कॉपर की अभिक्रिया आयरन की तुलना में कम आसानी से होती है। चांदी और सोने के धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए वे इनसे भी कम अभिक्रियाशील हैं। अगला दूसरा रासायनिक गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं उसके अभिक्रिया की तीव्रता उस धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है।
कुछ धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि कुछ भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। एक, जब कोई धातु जल, गर्म या ठंडा के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले उत्पाद धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होते हैं। दो, जब कोई धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होते हैं। पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम की अभिक्रिया इतनी तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाते हैं। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसे धातु न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। भाप के साथ उनकी अभिक्रिया की प्रबलता के आधार पर हम उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन धातुओं को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला गुणधर्म जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वह है तनु अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, लेकिन क्या सभी धातु इसी तरह अभिक्रिया करते हैं? आइए देखें। धातु आम तौर पर तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। केवल कम अभिक्रियाशील धातु जैसे कॉपर, चांदी, सोना तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। सभी धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तनु अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया की प्रबलता उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पादित करने के लिए धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया से पता चलता है कि सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम भी काफी तेजी से अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम धातु पहले सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक कठिन सुरक्षात्मक परत की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन जब पतली बाहरी ऑक्साइड परत अम्ल में घुल जाती है तो ताजा धातु उजागर होता है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देने के लिए जिंक भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन एल्यूमिनियम की अभिक्रिया की तुलना में कम तेजी से होती है। आयरन शीतल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पादित करता है। कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह दर्शाता है कि कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। इस वीडियो में हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स का अध्ययन करेंगे।